हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4th सिंपल इक्वेशंस क्लास 7th मैथ। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज स्टूडेंट हम, और सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का, जहां पर आपको एक क्वेश्चंस है जिसको पहले इक्वेशन सेटअप करनी है आपको, और उसके बाद इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, टीचर टेल्स द स्टूडेंट दैट इन योर क्लास हाईएस्ट स्कोर इज 87 एंड दिस स्कोर इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, देन द फाइंड हाईएस्ट स्कोर, देन फाइंड द लोएस्ट स्कोर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करें, इसको रीड करें, 87 हाईएस्ट स्कोर है और कंडीशन क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर प्लस 7, देन हाईएस्ट स्कोर इज 87, सो फाइंड द लोएस्ट स्कोर। देन सो क्वेश्चन स्टार्ट नाउ, लेट लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट x, then highest marks, highest score 87. According to question, condition is twice the lowest score, so 2x plus 7 equal to 87. ये equation आपकी यहाँ पर ready हो गई है student, और अब इस इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और देन वी फाइंड द लोएस्ट मार्क्स। सो 2x इक्वल टू 87 माइनस 7, 2x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 80 अपॉन 2 इक्वल टू 40, सो लोएस्ट मार्क्स इज x, देन 40 एंड हाईएस्ट मार्क्स 87, हैंस लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू 40। ओके क्लियर, देन बी पार्ट, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस मीन्स ए ट्राइंगल विद टू साइड्स आर इक्वल, the base angles are equal, the vertex angle is 40 degree, what are the base angles of the triangle? Remember the sum of three angles of a triangle is 180 degree. Remember, याद करिए स्टूडेंट, ये तो आपको डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं कि ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, यस 180 डिग्री, यस। सो सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, लेट द बेस एंगल्स बी एक्स 80 क्यूब, एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, 2x प्लस 40 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, देन
140 डिग्री, x इक्वल टू 140 अपॉन 2 70। सो द बेस एंगल्स आर 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी पार्ट, स्टूडेंट सी पार्ट, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, हाउ मैनी रन डिड ईच वन स्कोर। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, सचिन का स्कोर राहुल से डबल है। टुगेदर देयर सम, उनका सम दोनों का टोटल डबल सेंचुरी से टू शॉर्ट है, मतलब 198। क्लियर, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, हर एक का ईच वन स्कोर हमें फाइंड करना है। सो लेट अस स्टूडेंट फर्स्ट वी फाइंड द रन्स ऑफ राहुल, बिकॉज द सचिन स्कोर डिपेंडिंग ऑन राहुल। लेट रन्स ऑफ राहुल इक्वल टू एक्स, सचिन्स स्कोर इक्वल टू ट्वाइस 2x, देन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम ऑफ रन्स इज टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी मीन्स डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी क्या होता है स्टूडेंट, आप गेम्स खेलते हैं, देखिए आप मैच भी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, इंटरेस्टिंग ये गेम आपको लगता है बहुत ही क्रिकेट, ओके, इसमें जब कोई प्लेयर सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है देन हिज स्कोर इज 100, ओके, तो 100 जब स्कोर हो जाता है उसको हम कहते हैं सेंचुरी। बट इस क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का सम डबल सेंचुरी से टू शॉर्ट है, मीन्स 200 माइनस 2 मतलब 198। सो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 198, देन 2x प्लस एक्स इक्वल टू 198, 2x प्लस एक्स मीन्स यस 3x, 3x इक्वल टू 198, x इक्वल टू 198 अपॉन 3 66, हैंस राहुल्स स्कोर सिक्सटी सिक्स रन्स, सचिन्स स्कोर टू मल्टीप्लाई 66 132 रन्स। क्लियर, एनी डाउट, नो, ओके, वेरी गुड। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 कि आज हमने क्वेश्चन सेकंड को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बातें थीं उसी के अकॉर्डिंग, उसी पे डिपेंडेंट उन बातों को हमने
किस में चेंज किया, हमने एक सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लिया, एक सिंपल इक्वेशन पहले हमने सेटअप कर ली और इक्वेशन को सेटअप करने के बाद सॉल्व किया हमने, और हमने जो भी वैल्यू फाइंड करनी थी, आंसर हमें फाइंड करना था, रिक्वायर्ड आंसर जो भी था वो हमने फाइंड किया है। ओके सो स्टूडेंट, टुडेज वर्क कंप्लीट इन नोटबुक एंड सम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।